नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम व्हाइल के अंदर नेस्टेड लूप बनाते हैं। जैसे हमने फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप बनाया था, वैसे ही हम व्हाइल के अंदर भी नेस्टेड लूप बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो बेनिफिट है हमें ये हो जाता है कि हम एक लूप के अंदर ही बहुत सारे लूप्स को चला सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल सा हम एक इसमें टेबल का प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे हम टेबल का प्रोग्राम बना सकते हैं इस व्हाइल के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई नेस्टेड या व्हाइल नेस्टेड। हमने उसमें लिया था कि नेस्टेड के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे तीन वेरिएबल चाहिए, आई जे और एक हमने टैब ले लिया। चलिए सबसे पहले हमने आई को फॉलो, आई को स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमने कि भाई वन से आई चलेगा और वाई यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। वाइल आई इज लेस देन इक्वल चलेगा, हमें चाहिए थ्री तक की टेबल, तो हमने थ्री कर दिया। अब ध्यान रखें कि आई हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर दे दिया, लेकिन जे को हम देंगे कहाँ, जब वाइल का जो वाइल का जो एंडिंग पॉइंट है वो जब आप राइट कर लोगे, लिख लोगे, तो उसके बाद आपको जे का स्टार्टिंग पॉइंट देना, मतलब वाइल के अंदर, आई के वाइल के अंदर। जे इक्वल हमने दिया कि ये भी स्टार्ट होगा वन से, फिर जे का भी वाइल हमें यहाँ देना पड़ेगा कि कहाँ तक चलेगा, जे इज लेस देन चलेगा 10 तक। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करा और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ऐसे। पहले हमने एक फॉर्मूला अपना अप्लाई करा कि हमें टैब, जो हमने टैब पर वो लिया था, तो आई एस्ट्रिक जे हो जाएगा, आई में जे को इंटू कर देंगे और प्रिंट करा देंगे साथ साथ println, और हमने कर दिया कि सबसे पहले i की वैल्यू आ जाएगी, फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, सॉरी इनटू का साइन, तो हमने इनटू का साइन दे दिया। उसके बाद हमने चाहिए j की वैल्यू एंड देन हमने करा इक्वल का साइन। ध्यान रखें कि जो वेरिएबल है आपके वो कभी भी डबल कोट्स या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आता है। आपका जो ये साइन है वो आप डबल कोट्स के अंदर ले सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो कोट्स से बाहर ही रहेंगे। उसके बाद हमने प्लस करा और यहाँ पे टैब की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने आई जे लिया था, तो जे को प्लस प्लस कर देंगे। जे को प्लस करने के बाद जब ये जे पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, ये जे हमारा यहाँ पे जे का लूप कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट एक लाइन के लिए, एक जब आपका जो टेबल है कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें एक लाइन का गैप चाहिए, तो हमने उस लाइन का गैप दे दिया। अब हमने वाइल का, आई के वाइल का स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है, एंडिंग पॉइंट भी दे दिया है, अब बचा प्लस प्लस, तो हम उसको इसके बाद देखेंगे आई प्लस प्लस। देखिए आई का स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिखा, उसका एंडिंग पॉइंट भी लिख लिया, उसके बाद हमने जे को स्टार्ट करा, जे का स्टार्टिंग पॉइंट, जे का एंडिंग पॉइंट, और जो हमारा फॉर्मूला था कि टैप कर लेगा आई की वैल्यू को जे के साथ इंटू करा लेगा। उसके बाद हमने इस प्रिंट यूजर को आउटपुट देना है कि भाई सबसे पहले आई की वैल्यू, जैसे हमारा आई है वन, फिर इंटू आ जाएगा जे की वैल्यू है वन, वन इंटू वन इक्वल, और फिर जो टैप, जो मतलब उसमें जो हमने लॉजिक लगाया है कि भाई वन इंटू वन इक्वल वन आ जाएगा, तो टैब की वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा वन इंटू वन इक्वल वन। फिर जे में प्लस प्लस कराया और एक लाइन का गैप देने के लिए हमने एक लाइन लिखी और आई में भी प्लस प्लस कर दिए। इसका आउटपुट देखते हैं, वाइल नेस्टेड डॉट जावा, सेव करेंगे इसको और उसके बाद हमने सीएमडी खोलना है, सीएमडी को ओपन करेंगे, जावा सी while nested.java and then java while
डॉट क्लास के फाइल को हम ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा क्या आ गया, 2 into 1, ये फर्स्ट का 1 का आपका वो आ जाएगा, टेबल आ जाएगी 1 की 10 तक, फिर 2 की टेबल आ गई एंड देन 3 की टेबल आ गई। तो ये था हमारा सिंपल सा फाइल के अंदर नेस्टेड डू। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि डू वाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं जावा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।